नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऑल राइट। बाथरूम में नहाते हुए संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई। फतेहगंज पश्चिमी के गांव कुरतरा में एक विवाहिता की बाथरूम में गीजर के गर्म पानी से नहाते समय गैस लीक होने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जब वह नहाने के बहुत देर बाद बाथरूम से नहीं निकली, तब उसके पति ने बाथरूम की किवाड़ तोड़कर उसे बाहर निकाला। पति वासुदेव की सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने उसकी मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस को सूचना दे दी, जिससे पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मायके वालों ने खबर लिखने तक तहरीर नहीं दी थी। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें, जिला रामपुर की कोतवाली मिलक के गांव रौरे कला निवासी ओम प्रकाश ने अपनी बड़ी बेटी सुषमा की शादी 17 नवंबर 2015 को गांव कुरतरा निवासी वासुदेव के साथ की थी। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। उनके द्वारा एक बेटे का जन्म भी हुआ था, जो अब 3 वर्ष का है। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह सुषमा बाथरूम में रोज की तरह नहाने गई थी। बाथरूम में वह गीजर के गर्म पानी से नहा रही थी। काफी देर तक जब वह बाथरूम से बाहर नहीं निकली, तो उसके पति ने उसको आवाज़ दी। आवाज़ का जवाब नहीं मिलने पर वासुदेव को चिंता हुई। उसने अन्य घर वालों को बुलाकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि सुषमा बेसुध हालत में जमीन पर पड़ी है। परिवारजन उसे तुरंत ही पास के एक मेडिकल कॉलेज में ले गए, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वासुदेव ने उसकी मौत की सूचना अपने ससुराल वालों को दी, जिस पर सुषमा की मां और उनका भाई धर्मेंद्र, छोटी बहन चंचल गंगवार वहां पहुंच गए। सुषमा को मृत देखकर उसका मामला परिवार वालों को संदिग्ध लगा और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर CO रामानंद राय और थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने फोर्स के साथ पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया। तहसीलदार अरविंद कुमार तिवारी ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरवाने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। CO रामानंद राय ने बताया कि विवाहिता की मौत का कारण संदिग्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। पहले भी 2 लोगों की गीजर की गैस से बाथरूम में हो चुके हैं बेसुध। इससे बाथरूम में गीजर की गैस से दम घुटने से सुषमा की मौत होने से पहले का मामला नहीं है। यहाँ आपको बताते चलें कि जिस बाथरूम में सुषमा मृतक अवस्था में मिली थी, उस बाथरूम में एक वेंटिलेटर भी लगा हुआ है, जिससे बाथरूम के अंदर दम घुटने जैसी घटना संभव ही नहीं है। मृतक सुषमा की छोटी बहन चंचल गंगवार ने बताया कि दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। सर, आज जो ये महिला का शव मिला है, इसको किस हस्ते देखा जा रहा है? इसको फतेहगंज पश्चिमी की सूचना पर मैं इस गांव में आया। वो मृतका पुष्पा वाइफ ऑफ संजीव गंगवार मृत अवस्था में घर में लटाया गया था। मैंने गांव वालों से मालूम किया तो बताया कि ये सुबह बाथरूम में नहाने गई हुई थी, और जब देर हुआ तो घर वालों ने अपना दरवाज़ा तोड़कर इनके बताने के हिसाब से निकाला गया। लेकिन लड़की के भाई और बहन के द्वारा बताया गया कि नहीं, गला दबा कर मारा गया है। मामला संदिग्ध है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या जिस बाथरूम को नहा रही थी, यूज कर रही थी, उसमें क्या कोई वेंटिलेटर है या लॉक है, चारों तरफ से बंद है? नहीं, वेंटिलेटर उसमें है। वेंटिलेटर से उसमें कोई गैस बनने की कोई संभावना तो नहीं जताई जा रही, क्योंकि वेंटिलेटर बड़ा है उसके हिसाब से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल गंगवार। अच्छा, आज जो ये कुरतरा गांव में एक महिला की मौत हुई, ये उनसे क्या रिश्ता है आपका? वो मेरी बहन लगती है, बड़ी वाली बहन। अच्छा, बड़ी बहन है। तो क्या हुआ उनके साथ, क्या बता सकती हैं? सुबह मेरे पास कॉल आई थी जी की 7:30 बजे के टाइम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाथरूम में नहा रही थी, तो गीजर की जो गैस थी वो उसके दिमाग पे चढ़ गई है, तो बेहोश हो गई है। हम उसको फतेहगंज लेके आए हैं सौरभ डॉक्टर के यहाँ, तुम वहाँ आ जाओ। मैं वहाँ पहुँची, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कॉल मेरी रिसीव नहीं की। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि वो घर ले गए हैं, तो मैं घर आई, मैंने देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी। क्या जिस बाथरूम में वो स्नान कर रही थी, क्या वहाँ पे कोई वेंटिलेटर लगा है या चारों तरफ से बंद है? वो वहाँ पे विंडो लगा हुआ है ऊपर। गीजर जो लगा है वो इलेक्ट्रीशियन है या गैस का गीजर है? क्या कहीं उनके शरीर पे आपने देखा होगा, क्या कोई कहीं चोट उट के भी निशान है क्या? हाँ, गले पे नाखून की मतलब चोट पड़ी हुई थी और यहाँ पे भी चोट थी। अच्छा। भाई ने गाय के आंखे और पैर में उनकी चोट थी, भाई ने पैर में। अच्छा। क्या नाम था उनका? सुषमा गंगवार। अच्छा, उनके पति का? संजीव।
क्या उनके बच्चे भी हैं? हाँ, एक 3 साल का लड़का है, 4वें साल में चल रहा है। क्या नाम है? निखिल गंगवार। अच्छा, शादी कब हुई थी ये कुछ ध्यान है आपको? हाँ। कितना टाइम हो चुका होगा? समथिंग 7 साल हो गए होंगे। अच्छा, 2 साल। आप किस गांव से रहती हैं, किस जिले से? लोहरा कला मिलक रामपुर। महिला का सब मिला है, इसको किस हद से देखा जा रहा है? इसको फतेहगंज पश्चिमी की सूचना पर मैं गांव में आया तो मृतका उसका वाइफ और संजीव गंगवार मृत अवस्था में घर में लेटाया गया था। मैंने गांव वालों से मालूम किया तो बताया कि ये वह बाथरूम में नहाने गई थी और जब देर हुआ तो घर वालों ने अपना दरवाज़ा तोड़ कर इनके बताने के हिसाब से निकाला गया, लेकिन लड़की के भाई और बहन के द्वारा बताया गया कि नहीं, गला दबा कर मारा गया है। मामला संदिग्ध है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, क्या जिस बाथरूम को नहा रही थी यूज कर रही थी उसमें क्या कोई वेंटिलेटर है या लॉक है, चारों तरफ से बंद है? नहीं, वेंटिलेटर उसमें है, वेंटिलेटर से उसमें कोई गलत बनने की संभावना तो नहीं बताई जा रही क्योंकि वेंटिलेटर बड़ा है। Thank you.